दिल्ली में पॉल्यूशन से सभी का दम घुट रहा है। सरकार दिल्ली में डंपिंग साइट्स पर लगी आग और धुआं काबू नहीं कर पाई है। भलसवा लैंडफिल साइट्स पर लगातार आग लगी है, धुआं पूरी दिल्ली में फैल रहा है। सरकार ओडिवन की घोषणा करती है, कभी ओडिवन को वापस लेती है, ट्रकों की एंट्री पर बैन करती है और लोगों के सभी कंस्ट्रक्शन रुकवा दिए, पर सरकार ने खुद कोई स्थायी कदम उठाया हो ऐसा नजर नहीं आया। सरकार ने गाड़ियां और काम सभी लोगों के बंद करवाए, पर खुद सरकार न सड़कों के किनारे की मिट्टी हटा पाई, न डंपिंग साइटों की आग बुझा पाई। भलसवा डंपिंग साइट पर कूड़े के पहाड़ पर लगातार धुआं उठ रहा, यहां के लोगों का तो दम घुट ही रहा है। यहां का धुआं लगभग पूरी दिल्ली में फैल रहा है। यहां के लोग लगातार इसको लेकर कई सालों से प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं। यहां आसपास सैकड़ों कॉलोनियों पर इस साइट का बदबूदार धुआं फैला रहता है और यहां हजारों लोग सांस और स्किन की बीमारियों से परेशान हैं। 2009 से यहां कोर्ट भी कूड़ा डालना बंद करवा चुका है, बावजूद इसके यहां कूड़ा ढलना जारी है और यहां भी कभी इस कूड़े के पहाड़ में ब्लास्ट भी हो सकता है। जरूरत है सरकार इस तरफ भी ध्यान दें। ओडिवन स्कीम और स्कूलों को बंद करना स्थायी समाधान नहीं है, जरूरत है दिल्ली के पॉल्यूशन का स्थायी समाधान तलाशा जाए। न तो यहाँ कूड़ा ढलना बंद हुआ है, नहीं इसका विकल्प तलाशा गया है। यहाँ के लोग, नगर निगम, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार सभी से गुहार लगा चुके हैं, पर किसी ने इनकी सुनवाई नहीं की। अब सरकारों से इनका विश्वास ही उठ चुका है। जरूरत है सरकार स्थायी समाधान भी तलाशे। क्या कहना है स्थानीय लोगों? नाम रजिस्ट्रेशन बताएं मेरा अपना। मेरा नाम महेश यादव है, मैं RWA भलसवा के मेंबर हूँ। सर, किस तरह का आज दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, हर जगह पॉल्यूशन है, दम घुट रहा है और ऐसी स्थिति में आपके पीछे विराट डंपिंग साइट भी है, इसके बारे में क्या कहना है? क्या प्रदूषण इससे भी कुछ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है सर? ऐसा है जी, ये जो लैंडफिल साइट है ये सबसे बड़ा कारण है इसका, जिसकी तरफ सरकार ध्यान देना नहीं चाहती, जानबूझकर नहीं देना चाहती। उनको लगता है कि हम गाड़ियां बंद कर दें दिल्ली में या पराली का बहाना लेके बैठ जाएं तो उससे हमारा ये वक्त गुजर जाएगा जो पॉल्यूशन का शोर है, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत में ये जो सबसे बड़ा कारण है वो ये लैंडफिल है। यहाँ की इस समस्या के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं, लेकिन सरकार इसकी तरफ सीरियस बिल्कुल नहीं है। अब तो ये है कि यहाँ के लोगों को पलायन करने की स्थिति आ गई, बहुत बुरा है। तो सर, इससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? फोक से तो थे ही थे, लेकिन इससे भी कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? आप काफ़ी दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ की स्थिति भी देख रहे होंगे। यहाँ की जी, यहाँ पर लगभग 500,000 लोग इससे सीधे सीधे प्रभावित हैं, और इसका जो पोल्यूशन है यहाँ पे, जो नियरेस्ट जो एक पॉइंट है जो मॉनिटरिंग करता है वो DTU यानी कि शाहबाद में लगा हुआ, 6 किलोमीटर दूर। ना तो है नहीं, सरकार की कोशिश ये है कि कुछ करे ना बस। इंद्रेश पांडे बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए, धुआं इतना ज़्यादा स्मोक फैल चुका है, प्रदूषण एक खतरा भी है, इसके बारे में क्या कहना है? ये कांग्रेस की सरकार थी, जब भी बीजेपी की सरकार, जब भी केंद्र बीजेपी है, राज्य में केजरीवाल साहब की सरकार, लेकिन इस पे इतना प्रदूषण पे कोई गौर नहीं कर रहा। माननीय देवेंद्र यादव जी विधायक थे इससे पहले, उन्होंने भी प्रयास उस टाइम नहीं कर पाए। इस टाइम अजय यादव जी हैं विधायक, जो उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, इस खत्ते को हटवाएं, यहाँ से गंदगी दूर करवाएं, जिससे आम लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है प्रदूषण के कारण से। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि वो भी इस मैसेज को देखें और खत्ते को हटवाने के जल्द से जल्द। अब तो दिल्ली के अंदर फोग फैला हुआ है, सारे में स्मोक हो रहा है, प्रदूषण ज़्यादा फैल चुका है, अभी कुछ लग रहा है? आप यहाँ स्थानीय निवासी को अधिकारी आए हो इसे देखने के लिए, इसको रुकवाने के लिए? हर महीने 15 दिन में अधिकारी लोग आते हैं, देख के अपनी प्रक्रिया पूरी करके चले जाते हैं। फिर अब यहाँ आसपास के लोग जो आपके रह रहे हैं नज़दीक में, उनका क्या कहना है? उनकी मजबूरी है, काफ़ी हद तक वो गरीब तबके के हैं या उनके पास इतना साधन नहीं है यहाँ के छोड़ के जा सके, उनकी मजबूरी है इस एरिए के आसपास रहना। सरकार को देखना चाहिए कि यहाँ से अब इसको लगभग जो इसकी लिमिट है वो डबल क्रॉस कर चुकी है, और पीछे से कोर्ट के भी आदेश है इसको बंद करने के, एक्सटेंशन भी इनकी पार हो चुकी है, उसके बावजूद भी लगातार कूड़ा यहाँ पे गिर रहा है। क्या लगता है, दिल्ली में 3 दिन से प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और सरकार इस पर पाबंदी लगाने के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रही है, क्या खत्ते पे भी इस पर पाबंदी लगानी चाहिए? खत्ते पे तो सबसे पहले लगनी चाहिए, क्यों, एक तो ये सिस्टमेटिकल तरीके से बना हुआ नहीं है जैसा कि आजकल के बन रहे हैं या जो होने चाहिए। ये पहले का सिर्फ कूड़ा डलता है, इसकी वजह से यहाँ का वायु स्तर और भूजल स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि वो किसी भी पीने के पानी के काम में नहीं आ सकता है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है यहाँ पानी का भी। जी बता, बोला
राजवीर यादव बड़ासो गांव से जी। आप दिल्ली जी क्या क्या समस्याएं हो रही है खतरे की वजह से? दिल्ली के अंदर वैसे ही प्रदूषण ज़्यादा फैल चुका है जी, और आप क्षेत्र में रह रहे हैं, बताएं क्या समस्या हो रही है और क्या आपको ऐसे भी लोग नमू भी देखना पड़ रहा हो? प्रदूषण की वजह से पूरी दिल्ली बहुत बुरी हालत से गुजर रही है इस समय, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये लैंडफिल तो मुख्य वजह है ही, इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां यहाँ पे फैल रही है। आसपास के लगभग 10 लाख लोग जैसे पीड़ित है, प्रभावित है। जैसे कि कल मैं बाबू जगजीवन, मेरा नाम हरिराम यादव है, बलसवा गांव RW का जो है प्रेसिडेंट हूँ। और हम इसको मुहिम को जो है ना खत्ता हटाओ की मुहिम को जो है 2014 से हम इसको चलाए हुए हैं। सबसे पहले RWA ने इसकी तरफ जो है ध्यान किया था और पूरे क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करके हमने कितने मतलब जो है एफर्ट्स किए हैं। लेकिन जहां जाते हैं और हम नेताओं के साथ में देवेंद्र यादव, अजीत यादव, इनको सबको इकट्ठा करके लोगों को जो है, तब हमने ये मुहिम को जो है शुरू किया था। लेकिन हमारी कहीं भी जाते हैं तो सुनवाई तो कोई करता ही नहीं है। यहाँ से अधिकारी नेता लोग जो है सब निकलते हैं, कौन नहीं निकलता यहाँ से जो है मुकरबा चौक से यहाँ पे जो है मतलब, लेकिन सब क्या करते हैं अपना मुंह ढके ऐसे और निकल गए, आंख बंद करके निकलते हैं। क्या पता नहीं है लोगों को कि ये सबसे ऊंची साइट जो है और कितने साल होते हैं 80 साल से जो है लोगों का जीवन खराब कर रही है, सबको पता है कि। और यहाँ पे कितने लैंडफिल जो है 3-4 है, ये जो है दिल्ली के चारों तरफ राक्षस है ये सब जो है, और सबको पता है, केजरीवाल जी को भी पता है और जो है ना केंद्र सरकार को भी पता है कि ये दिल्ली में जो है पोल्यूशन किस वजह से है। पुराली का बहाना लेके पराली जो है 4-5 रुपए किलो चारे में बिकती है आजकल, हमारे को पता है। और इसकी जो है गत्ता वगैरह जो है उसमें मील में जाती है, कौन पुराली को जो है जलाएगा? 4-5 एक किसान जो है 2 रुपए किलो आलू बेच के और 4-5 रुपए किलो की पुराली को जला देगा क्या वो? ये सारा दिल्ली का ही पोल्यूशन है, ये जो है साइटों पर जो इनका निकल रहा है और ये गाड़ियों वगैरह का जो है सब ये दिल्ली का ही है। जिस तरह अब दिल्ली के अंदर प्रदूषण कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो दिल्ली सरकार और राज्यपाल भी ये कह रहे हैं भारी वाहन रोको, दिल्ली के अंदर पराली जलाओ, ये जो प्रदूषण वाली चीज़ें उन पर रोक लगाई जाए। क्या इस चीज़ पे भी आपको दिख रहा है कहीं रोक लगाई गई है अभी तक? नहीं, प्रदूषण वाली चीज़ों पे जो है रोक लगाओ, चलो हम तो ये कहते हैं जैसे भी मतलब हो करो, लेकिन सबसे बड़ा कारण तो दिल्ली का अपना ही जो है ना, जो भी चाहे गाड़ियों से है, और सबसे बड़े कारण जो है ना ये लैंड साइट जो है।